हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो सेल डिवीजन के भी कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है छूट गया था, पकड़ लेते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? कोशिका विभाजन। आप जानते हो कि एक कोशिका हमारी बॉडी में बहुत कार्य करती है, और अगर मैं हमारी ह्यूमंस की बात करूं तो हम लोग बनते कैसे हैं, एक इंसान बनता कैसे है, तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते तो हम पढ़ेंगे कि जब मेल से स्पर्म यानी शुक्राणु और फीमेल से ओवम यानी अंडाणु, ये दोनों फ्यूज करते हैं। अब देखो, मेल से मैंने बोला स्पर्म आया, ठीक है, शुक्राणु आया, वो क्या है, एक कोशिका। फीमेल से ओवम आया यानी अंडाणु आया, वो भी क्या है, एक कोशिका। वो दोनों मिले तो बना क्या, जायगोट। जायगोट क्या है, कोशिका। अब वो एक कोशिका, एक जायगोट नाम की कोशिका अपने अंदर विभाजन करेगी, और विभाजन कर करके माँ की कोख में यानी मदर वॉम्ब के अंदर एक बेबी रेडी हो जाता है 9 मंथ्स के पीरियड में। तो ये कैसे हुआ स्टूडेंट, एक छोटी सी कोशिका ने अपने अंदर क्या किया, अपने अंदर विभाजन किया, अपने अंदर डिवीजन किया। कैसे किया वो जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल सेल डिवीजन है कि एक कोशिका ने डिवाइड कर करके अपना नंबर बढ़ाया। तो समझ रहे हो, सेल डिवीजन का पहला कार्य क्या है, कोशिका का नंबर बढ़ाना। दूसरा कार्य, किसी भी जगह की ग्रोथ यानी वृद्धि करवाना। ठीक है, आप छोटे से बड़े हुए, क्यों, आपकी बॉडी में सेल मल्टीप्लाई कर रही है। वो मल्टीप्लाई क्यों कर रही है, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है। अब सोचो, कोई किसी इंसान की कोई चोट लग जाए, लंबा सारा निशान आ गया उस चोट वाली जगह पे, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो चोट वाला एरिया कवर होने लग जाता है, वापस से नॉर्मल दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां की कोशिकाएं जो हट गई थी, जो खराब हो गई थी, अब उनकी मरम्मत यानी रिपेयर शुरू हो गया। वहां पे रिपेयर हुआ तो नई कोशिका आई, और नई कोशिका क्यों आई, क्योंकि वहां पर हुआ सेल डिवीजन। समझ में आया? तो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे इन डिटेल एनिमल्स में, जंतुओं में, प्लांट्स में, पौधों में, ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एल्गी हो गई, फंगस हो गए, यानी जीवाणु, विषाणु, हमारी कवक, हमारी शैवाल, सबके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो सेल डिवीजन शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी चीज से कि इसकी खोज किसने की, सेल डिवीजन की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है वर्चाओ, रॉबर्ट वर्चाओ। कुछ याद आया आपको, कुछ याद आया, मैंने सेल चैप्टर में आपको बताया था कि किसी एक साइंटिस्ट ने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, क्या बोला, वर्ड ध्यान देना, एक साइंटिस्ट ने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि ओमनी का मतलब क्या था, ओल्ड यानी पुराना, पुरानी, सेल्यूला यानी सेल यानी कोशिका, ई यानी न्यू यानी नया, और सेल्यूला अगेन क्या है, सेल यानी कोशिका। रॉबर्ट वर्चाओ ने बोला था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। सेल डिवीजन क्या है स्टूडेंट, कोई एक कोशिका है हमारे पास, इससे नई कोशिका बन जाए, यही तो है क्या सेल डिवीजन। ठीक है, पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है, हर नया ऑर्गेनिज्म पुराने ऑर्गेनिज्म से आता है, ये बात बोली थी वर्चाओ ने। तो सेल डिवीजन की खोज किसने की, कोशिका विभाजन की खोज किसने की, रॉबर्ट वर्चाओ ने। अब इस वीडियो में देखो, सेल डिवीजन 3 प्रकार की होती है, उसकी बात करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जो कि आगे की वीडियोज में आपके काम आएगी। ठीक है, तो सेल डिवीजन में पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो ये शुरुआती कोशिका है जहां से कहानी शुरू हुई, इसको बोला जाता है मदर सेल। क्या बोला जाता है, मदर सेल यानी मातृ कोशिका। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बोला जाता है मातृ कोशिका, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल हो गई,
मदर हमेशा फीमेल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फीमेल है, नहीं, ये एक कोशिका है, इसको बस नाम दे दिया गया कि तू मदर सेल है, ठीक है, जेंडर से कोई, लिंग से कोई निर्धारण नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये जो दो बनती है, इन दोनों को बोला जाता है डॉटर सेल, डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका। अब अगेन मैं यही बात बोलूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों फीमेल यानी ये दोनों महिला है, नहीं, ये लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है यहां पर, जनरली एक शब्द यूज किया गया है जो कि है डॉटर सेल, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम इस चैप्टर में सेल डिवीजन में आगे की डिटेल पढ़ेंगे तो पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल भी बोलेंगे, ये पेरेंट की है, को मदर सेल बोला जाता है, और जो बाद में जो चाइल्ड होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है, उसे डॉटर सेल बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये थी पहली एक डिफरेंट पॉइंट जो कि आपके आगे काम आएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए है, ये है कि हम जंतुओं में, हम एनिमल्स में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है सोमेटिक सेल, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, या इसी को बोल देते हैं एक और नाम से सेक्स सेल। यानी कि सोमेटिक का मतलब क्या है? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं जनन कोशिका। अब इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये दोनों मैं आपको क्यों बता रही हूं। सोमेटिक सेल क्या होती है स्टूडेंट? वह कोशिका जो आपकी पूरी बॉडी बनाती है। कायिक, कायिक का मतलब काया यानी आपकी बॉडी। हमारी बॉडी की हर कोशिका सोमेटिक सेल है। कौन सी सेल सोमेटिक सेल नहीं है? वो है रिप्रोडक्टिव सेल। देखो मेल में, यहां पे देखो, रिप्रोडक्टिव सेल मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर होती है, और उसी तरीके से फीमेल यानी महिला के अंदर होती है, ठीक है। मेल की जनन कोशिका को बोलते हैं क्या? स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल की जनन कोशिका को बोलते हैं ओवम यानी अंडाणु, ठीक है। ये दोनों क्या है? जनन कोशिका। यानी कि अगर मैं एक आदमी की बात करूं तो आदमी में स्पर्म के अलावा बॉडी में जितनी भी कोशिका होंगी वो सारी क्या होंगी? सोमेटिक सेल। दोबारा सुनो, एक आदमी में स्पर्म यानी शुक्राणु के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी क्या हैं? सोमेटिक सेल। उसी तरीके से एक महिला में ओवम यानी अंडाणु के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या हैं? सोमेटिक यानी कायिक सेल। यानी एक इंसान की 99% कोशिका कौन सी होती है? सोमेटिक होती है, और बची 1% कोशिका क्या होती है? रिप्रोडक्टिव या सेक्स कोशिका होती है, ठीक है, यानी जनन कोशिका होती है, जो कि क्या कार्य करती है? आगे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जन्म देने के लिए कार्य करती है, जिसके लिए इसका नाम क्या है? जनन कोशिका। क्लियर है? तो ये थी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे को आपको बतानी थी। अब नेक्स्ट चीज मुझे डिस्कस क्या करनी है स्टूडेंट, कि सेल डिवीजन होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा, इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर बताती हूँ। मैंने क्या बताया? मैंने बताया सेल डिवीजन है कोशिका विभाजन। क्यों होता है? कहीं पर भी कोशिका के नंबर को बढ़ाने के लिए, कोशिका को विभाजित करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए, बॉडी में मरम्मत के लिए क्या है? सेल डिवीजन कार्य करता है। किसने खोजा? ये खोजा रॉबर्ट वर्चाउ ने। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी हर नई सेल पुरानी सेल से आती है। नेक्स्ट बात हमने की, कुछ इंपॉर्टेंट बात, कि हमेशा पेरेंट सेल को मदर सेल बोलते हैं और ऑफ स्प्रिंग को हम डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मनुष्य में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। जनन कोशिका पुरुष में कौन सी होती है? शुक्राणु यानी स्पर्म। महिला में कौन सी होती है? ओवम यानी अंडाणु। और इन सेल के अलावा, शुक्राणु के अलावा पुरुष में सारी सेल्स सोमेटिक हैं, अंडाणु के अलावा महिला में सारी सेल्स सोमेटिक हैं। यानी कि एक बॉडी, इंसान की बॉडी 99% सोमेटिक सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। अब अगली बात सुनिए। अगली बात है स्टूडेंट्स कि हमारा जो सेल डिवीजन है, हमारा जो कोशिका विभाजन है, ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का?
तीन प्रकार का, देख लेते हैं कौन कौन सा। कोशिका विभाजन होता है तीन प्रकार का। पहला है ए माइटोसिस, जिसे बोलते हैं असूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। दूसरा है माइटोसिस, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और तीसरा है मियोसिस, जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, क्लियर है? अब इन तीनों की डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो मिलेगी आपको ए माइटोसिस की, फिर आपको मेटोसिस की मिलेगी, एंड देन मियोसिस की। तो इस तरीके से सेल डिवीजन चैप्टर हम जल्दी से खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कोशिका विभाजन आपको समझ में आया होगा। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।